गौतम अडानी, जिनकी नेटवर्थ 2020 में महज 9 बिलियन डॉलर्स थी, वो आज सिर्फ 20-22 महीनों में 110 बिलियन डॉलर्स कैसे पहुंच गई। और अपनी इस नेटवर्थ से उन्होंने ना सिर्फ भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी को पीछे छोड़ा, बल्कि अभी कुछ समय पहले वे बिल गेट्स और वॉरेन बफे जैसे फेमस बिलियनियर्स से भी आगे निकल गए थे। तो क्या अडानी के इस सफलता में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हाथ है? अडानी जी के नेटवर्थ के बढ़ने का मेन रीजन क्या है, और क्या यह तरक्की परमानेंट है या फिर गौतम अडानी वापस से नीचे आ जाएंगे? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो फिर चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग गौतम अडानी का कंपैरिजन हमेशा मुकेश अंबानी के साथ करते हैं, लेकिन सही मायनों में इनकी तुलना मुकेश अंबानी से नहीं बल्कि धीरूभाई अंबानी जी से करनी चाहिए, क्योंकि गौतम अडानी भी धीरूभाई अंबानी की तरह ही फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। यानी कि गौतम अडानी जी के पास आज जो कुछ भी है वो उनके पिता या पुरखों से विरासत में नहीं मिला, बल्कि इस पूरे बिजनेस एम्पायर को उन्होंने खुद खड़ा किया है। अब चलिए इस बात को समझने के लिए हम आपको गौतम अडानी की शुरुआती लाइफ और उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताते हैं। असल में दोस्तों, गौतम अडानी जी 24 जून 1962 के दिन गुजरात के अहमदाबाद शहर में पैदा हुए थे। इनके पिता शांतिलाल अडानी जी का गुजरात में ही कपड़े का एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन गौतम अडानी को अपने पिता के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में शुरुआत से ही कुछ अलग और कुछ बड़ा करना चाहते थे। यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई को भी बीच में ही छोड़ दिया था, और 1978 के दौरान वह मुंबई जाकर डायमंड सॉर्टिंग का काम करने लगे थे। इसके बाद से 1981 में इनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने इन्हें वापस अहमदाबाद बुला लिया, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक का एक नया बिजनेस शुरू किया था, और इस बिजनेस के लिए उन्हें अपने छोटे भाई गौतम की हेल्प चाहिए थी। दरअसल इस बिजनेस में उन्हें हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, जो कि भारत में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसीलिए गौतम अडानी और उनके भाई ने यह फैसला लिया कि वो बाहर के दूसरे देशों से पीवीसी को इंपोर्ट करेंगे। और दोस्तों, ये पीवीसी इंपोर्ट करने के दौरान ही गौतम अडानी को पहली बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नियम व कानूनों की जानकारी मिली थी, और इसी से उन्हें यह समझ आ गया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किस तरह से किया जाता है। और दोस्तों, अपने इसी एक्सपीरियंस का ही फायदा उठाकर साल 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू कर दी, और इस कंपनी को शुरू करने के बाद से ही गौतम अडानी ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और यही कंपनी अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी बनी। अब अगर आज की बात करें तो अडानी ग्रुप के अंदर बहुत सारी अलग अलग कंपनी शामिल हैं, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील करती हैं। हालांकि चलिए हम आपको अडानी ग्रुप की कुछ सबसे अहम कंपनीज के बारे में बताते हैं, जिसकी बदौलत आज गौतम अडानी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की, जो कि इस ग्रुप की सबसे पहली और सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी मुख्य रूप से कोल ट्रेडिंग, कोल माइनिंग और एयरपोर्ट ऑपरेशंस जैसे काम करती है। इसके बाद से अडानी ग्रुप की दूसरी बड़ी कंपनी है अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी, जिसे शॉर्ट में APSEZ भी कहा जाता है। अब जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये कंपनी पोर्ट ऑपरेटिंग का काम करती है, और ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। इसके अलावा इनकी अडानी पावर कंपनी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। अडानी टोटल गैस बड़े शहरों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करती है। अडानी ग्रीन एनर्जी पूरी दुनिया में ही सोलर एंड विंड एनर्जी जनरेशन का काम करती है, और अडानी विल्मर कंपनी एडिबल ऑयल बनाने का काम करती है। अब यहाँ पर आपकी हम जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया में बिकने वाला फेमस फॉर्च्यून रिफाइन ऑयल भी अडानी ग्रुप की इसी कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है। और अभी हाल ही में अडानी विल्मर का IPO भी मार्केट में लाया गया था, जहां लोगों ने खूब पैसे इन्वेस्ट किए और कमाए भी। वैसे आपको भी लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए, और जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो फिर इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है। और दोस्तों, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 5paisa को। ये वन ऑफ द लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर है, जहाँ पर आपको 0% ब्रोकरेज लगता है। साथ ही FNO एंड इंट्राडे में भी आपसे सिर्फ 20 रुपए हर ऑर्डर पर ही चार्ज किए जाते हैं। दोस्तों, इनका UI तो सिंपल है ही, लेकिन कस्टमर सपोर्ट भी हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते रहते हैं। और आपको शायद पता ही होगा कि मार्केट के अप एंड डाउन सिचुएशन में इन्वेस्टिंग का सबसे अच्छा तरीका होगा SIP मोड, और इसी वजह से 5paisa का वन ऑफ द बेस्ट फीचर है स्टॉक SIP।
जब आप ऐप ओपन करके माय अकाउंट सेक्शन में जाकर स्टॉक SIP पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ आपको दिखते हैं टॉप स्टॉक्स। और मान लीजिए आपको INFI में इन्वेस्ट करना है तो फिर आप मंथली, डेली, वीकली किसी भी लेवल पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक स्टॉक डेली खरीदना है तो फिर आप उसी के हिसाब से अपना स्टॉक SIP क्रिएट कर सकते हैं। और इससे होगा यह कि मार्केट जैसा भी रहे आपको एवरेजिंग पर बेनिफिट मिलता रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अपना अकाउंट ओपन करिए और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को बेहतर बनाइए। बहरहाल हम गौतम अडानी की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, गौतम अडानी की सबसे खास बात यह है कि ये जो भी काम करते हैं वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर ही करते हैं। और यही वजह है कि आज उन्होंने जिस भी इंडस्ट्री में एंटर किया हुआ है ऑलमोस्ट उन सभी इंडस्ट्री में ही अडानी ग्रुप की कंपनीज नंबर वन पर है। और इतना ही नहीं, गौतम अडानी अभी भी नई नई इंडस्ट्री में एंटर करके अपने बिजनेस को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट इस वीडियो को बनाने के दौरान ही गौतम अडानी ने 10.5 बिलियन डॉलर्स की रकम में ACC और अंबुजा सीमेंट इन दोनों कंपनीज को एक्वायर किया है। असल में शुरुआत से ही गौतम अडानी की यह स्ट्रेटेजी रही है कि जब भी उन्हें किसी इंडस्ट्री में प्रॉफिट दिखाई देता है तो फिर वो मौका मिलते ही उसमें एंटर कर लेते हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में अडानी ग्रुप का बिजनेस बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई होते हुए दिखाई दिया है। खैर, चलिए ये तो हुई अडानी ग्रुप के कंपनीज और उनके बिजनेस की बात, लेकिन फिर सवाल यही रह जाता है कि गौतम अडानी के नेटवर्थ आखिर अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? क्योंकि उनकी ये कंपनीज तो कई सालों से चली आ रही है और ऐसा भी नहीं है कि इन कंपनीज के सेल्स रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ है। लेकिन फिर पिछले 2 सालों में ऐसा क्या हो गया कि इनके नेटवर्थ 9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 125 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी? असल में दोस्तों, ऐसा होने का रीजन यह है कि इन पिछले 20-22 महीनों में अडानी ग्रुप के कंपनीज के शेयर का प्राइस बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा है। एग्जांपल के लिए अडानी टोटल गैस कंपनी की अगर बात करें तो मार्च 2020 में इसके एक शेयर का प्राइस सिर्फ 82 रुपए था, जो कि इस समय बढ़कर 2520 रुपए के आसपास हो चुका है। यानी कि इन 2 सालों में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस करीब 3000% ऊपर गया है और ये वाकई में एक चौंकाने वाला नंबर है। और दोस्तों, ठीक इसी तरह ही 1-2 साल के अंदर अडानी ग्रुप की हर एक कंपनी का शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा और यही वो मेन वजह है कि गौतम अडानी की नेटवर्थ हमें एकदम से इतनी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन चूंकि उनकी ये नेटवर्थ कंपनी के स्टॉक प्राइस पर ही डिपेंडेंट है, ऐसे में आगे चलकर इन कंपनीज का शेयर प्राइस वापस से नीचे गिरता है तो फिर उसके साथ ही गौतम अडानी की नेटवर्थ भी कम होती चली जाएगी। इनफैक्ट 22 अप्रैल 2022 के दिन जहां उनकी नेट वर्थ 123 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी, वो आज घटकर 106.6 बिलियन डॉलर्स ही रह गई है। यानी कि सिर्फ 25 दिनों में उनकी नेट वर्थ 17 बिलियन डॉलर्स कम हुई है। और ऐसा होने का रीजन यही है कि उनकी कुछ कंपनी का स्टॉक प्राइस वापस से थोड़ा नीचे आ गया है। अब दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि जो अडानी आज एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, उनके कंपनी अडानी ग्रुप पर टोटल 2.22 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा है और ये डिप साल दर साल बढ़ता जा रहा है। यानी कि गौतम अडानी जो नई नई कंपनीज खरीदकर अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने अपनी जेब से कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है, बल्कि उनका ये सारा बिजनेस डेप पर चल रहा है। और ये डेप ही वो मेन वजह है कि लोग उनकी सक्सेस के पीछे इंडियन गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी का हाथ मानते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट का साथ होने की वजह से गौतम अडानी को बड़े बड़े लोन और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असल में सच्चाई यह है कि सिर्फ गौतम अडानी ही नहीं बल्कि देश में मौजूद हर एक बड़ा बिजनेसमैन अपने स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट से हमेशा बना कर रखता है। फॉर एग्जाम्पल, 1993 के दौरान गुजरात में जब कांग्रेस की सरकार भी थी तो फिर उस समय के CM चिमन भाई पटेल ने गौतम अडानी को मुंद्रा पोर्ट पर जमीन 10 पैसे पर स्क्वायर फीट के भाव से अलॉट की थी। यानी कि जब स्टेट में कांग्रेस की सरकार भी थी तब भी गौतम अडानी के रिश्ते उस गवर्नमेंट के साथ में अच्छे रहे थे। और फिर बाद में जब BJP की सरकार आई तो फिर गौतम अडानी जी के रिलेशन उनके साथ भी अच्छे ही रहे। अब दोस्तों, बहुत से लोग जिन्हें लगता है कि मोदी जी या फिर BJP के जाने के बाद से गौतम अडानी का बिजनेस फेल हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि गौतम अडानी तो मोदी जी के पावर में आने से पहले भी अपना बिजनेस चला रहे थे और कल जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी वो इसी तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करते रहेंगे। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।